भैया छोटी जो बहने जो देख बड़ी को कांटो बन गई रे। भैया ये जो सगी बहने को गला बहने जो रही मरवाई रे। हाँ दोस्तों, तो गाने की तरफ गौर करेंगे, ये भी गाना भेज रहे रोशनी यादव स्टूडियो के सौजन से, गाय को ही आपके जाने पहचाने नरेश खटाना जी। तो भैया एक हमेशा बात ध्यान में रखना कि सगी बहनों को एक ही घर में मत प्याना, क्योंकि बाद में देखिए कलेश होता है। कितनी भी बहन कितनी भी अच्छी हो, कितना भी प्यार हो, लेकिन एक दिन टूट जाता है। जब कलेश घर में होता है तो एक दिन भगवान रूठ जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ है इस कहानी में, जरा गाने की तरफ गौर करेंगे। तो देखिए आज सगी बहन ने अपनी एक बड़ी बहन का बेटा कैसे मरवाया है, तो गाने की तरफ गौर करते रहेंगे। भैया सगी बहन को लला बहन जो रही मरवाई रे। हाँ तो देखेंगे भैया आज कैसे हो, छोटी बहन बड़ी बहन के लिए कांटा बनी है, तो गाने की तरफ गौर करते रहेंगे। भैया ये कमातन देखो आज घर तुए बिटिया जाई रे। भैया मैया की लड़ती लली बापनी बीए पढ़ाई रे। भैया पाल की कर दो ब्याह लली का गर्मी प्या आज पिताजी ने पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके उन बिटियों का सगी बहनों का एक ही घर में विवाह कर दिया। हुआ क्या, भैया बन के दुल्हनिया आया जो लली ससुर भैया ससुर में गई तो लली बड़े प्यार सुरई रही रे। आज देखिए बड़े प्यार से दो बहने रह रही हैं, लेकिन कर्मों का क्या पता है कि किसके कर्म में क्या लिखा है और किसके कर्म में क्या लिखा है। देखिए विध का विधान, भैया बड़ी बहन को पति के घर पे खेती करे रे। भैया छोटी बहन को पति फौज में बरती है गौरे। देखिए कहीं पेड़ के तो टुकड़े हैं, लेकिन भाग्य अलग अलग है। एक को पति किसान मिला है और एक छोटी बहन को पति फौजी मिला है।
तो देखिए आज छोटी बहन की करतूत। भैया छोटी बहन को आज सासू ने दही माल गिरे, आज जैसे ही माल की हाथ में आई तो छोटी बहन के नखड़े भर गए। और भैया भर भी जाएंगे क्यों, कि उसका पति फौजी है और बेचारी बड़ी का तो किसान है, तो बेचारी नखड़े झेलती रही। लेकिन हुआ क्या, भैया छोटी बहन जो देख बड़ी पे हुकम चलाए रही रे, सारे घर को कराई रही काम के रोटी रूखी खवाई रही रे, आज सारे घर का काम करा रही है और खाट पर बैठ करके हुक्म चला रही है और शाम को रूखी रोटी दे रही है। देखिए वो सगी बहन की करतूत। लेकिन ईश्वर से आगे क्या हो सकता है, भैया समय गयो कछु बीत प्रभु ने लीला दिखाए दई रे, आज जैसे ही प्रभु ने लीला दिखाई भैया बड़ी बहन की देख प्रभु ने गर्व राख दौर, भैया छोटी बहन सुरानी देखो पाज बनाए दई रे, आज देखिए ईश्वर की लीला। आज बड़ी बहन के गर्भ दिखने लगा है लेकिन छोटी बहन के कोई लड़का पैदा नहीं। देखिए हुआ क्या, कैसे नसीब बदलता है। भैया देख बड़ी को गर्व के घर के खुशी मनाए रे रे, भैया छोटी को चिंता बड़ी के बेदारी हमारी हुई रे, आज छोटी मन ही मन में विचार करने लगी है कि अगर मेरी बड़ी बहन की बेटा पैदा हो गया तो इस घर में मेरी बेदर हो जाएंगी। तो देखिए उस बहन छोटी ने क्या खेल खेला है, भैया छोटी बहन आज खेलू एक नयो खेल दौर, कैसा खेल खेला है, भैया सासू कह रही जाए सासू मोई उलटी आए रही
सासुलिए सो मोई लगी रहो गरबु मेरी राह दिखाई रे आज छोटी बहन ने जाकर के झूठ बोल दिया सासी और कही कि मेरे भी गर्भ पैदा होने वाला है और मेरे भी बच्चा उधर में पैदा हो रहा है। सास आज इतनी बात सुनकर के बहुत खुश हुई और क्या हुआ सासुले मना में रही से आई के तुए तुए नाती जनमेर भैया सासुले भोली भाली बात कछु समझ न पाई रे भैया छोटी बहन दिया जो कच्चा करो तयो चला भैया कपड़ा भर लाए पेट सासु को रही दिखाई रे आज कपड़े लगा लिए पेट से और कहने लगी सास देखिए मेरे भी गर्भ होगा मैं भी एक बेटे को जन्म दूंगी। आज सास बहुत खुश है सासुले बड़ी बहन के संग के बेटा हम सासुले मामा में खुशिया पार घर तुए नातिया मेरे आज झूठ बोल करके सास से उस छोटी बहन ने और कहने लगी कि मैं भी अपने बेटों को जन्म दूंगी लेकिन देखिए विध का विधान भैया बड़ी बहन को आज नमो देखो महीना आएगा रे आज बड़ी बहन को जैसे ही नमो महीना बीता है अरे भैया भैया गर्व को आएगा समय बहन की पीड़ा है रही रे भैया छोटी बहन अजो आज वो झूठ बोल रही है कि मेरे भी पीड़ा हो रही है और पेट में कपड़े लगे हैं। देखिए उस छोटी बहन की चाल हुआ क्या भैया भैया बड़ी बहन ने आज लाए को सुंदर जाए भैया जो
पति बिहनिया जो कह लला मेरे रात को होए गोर आज बड़ी बहन एक बेटे को जन्म दिया है और आज छोटी झूठ बोल कर रही है और कह रही है कि मैं शाम को बेटे को जन्म दूंगी। देखिए उस बहन की करतूत। भैया धाम हो न को गई के छोटी को नंबर आएगा रे। भैया छोटी घर में ते देती आवाज सासु तुम बाहर रहियो मैं तो अकेले ही जाऊंगी लालू के मेरे ढेगा मती आई और देखिए आज सगी बहन बहन के लिए कैसे कांटा बनी है। भैया यादी है गई रात के घर के परखी सोए गए रे। भैया छोटी बिहना दिया जो खेलू आजो ऐसो खेल आज देखिए उस छोटी बहन ने क्या किया है। भैया बड़ी बहन को ललाया जो छोटी ने उठाए लारे। अरे जाएगी सासुले सो कई लला मिनी सुंदर जाए लोर आज बड़ी बहन का बेटा गोद में लेकर के बिचारी बड़ी बहन सो गई। आज देखिए वो छोटी बहन की करतूत। आज बेटे को गोद में उठाया है और सास के पास में पहुंच गई और कहने लगी है मैंने भी एक सास बेटा को जन्म दिया है। सास को क्या पता था बेचारी को कि क्या होने वाला है। सासुले मन में रही सी आई के घर तुई नाती आई गए रे। ते भूरा भूरा रो भयो के मुरा गाया बाजा लगाई दई रे। भैया ते बड़ी की भूल गई आंख लला को रही निहारी भैया जाए थी खोना बेटा पास ललीनी सासु जगाए दई रे। आज परी बहन ने रोते हुए अपनी सास को जगाया
कि मेरा बेटा किधर है। अरे भैया भैया इतने छोटी बहने जो खिला को खिलाए रही रे। भैया या जो बड़ी बहन ने देख ललाया बनो पहचानो रे। भैया या जो बड़ी बहन कह रही भैया या जो छोटी कह रही खड़ी लला मिने रात में जायो रे। आज भैया देखिए दोनों बहनों में झगड़ा होने लगा। छोटी कहने लगी बेटा मेरा है और बड़ी कहने लगी कि बेटा मेरा है। अब भैया क्या होने वाला है देखिए भगवान की दया। आज बड़ी बहन कहने लगी बेटा मेरा है, छोटी कहने लगी नहीं मेरा है। अरे भैया भैया मेरो ही मेरो परी ललाया जो कोना को दे रे। भैया माँ गाम की चुरी गई भीरा समाज कछु बात नई रही रे। आज गांव के सारे लोग अटक्के हो गए और बड़ी बहन कह रही है कि बेटा मेरा है और छोटी कह रही है कि बेटा मेरा है। आज गांव के खड़े देख रहे हैं सोच रहे हैं कि बेटा किसका है। हुआ क्या भैया गांव के पूछे बात लला जिया कि ननी जिया योर। भैया बड़ी बहन कहे आज लला जिया मेने जियायो रे। भैया छोटी बहन कहे रही लला मेने आदि पे जियायो रे। आज छोटी कह रही है कि बेटा मेरा है, बड़ी बहन कह रही है कि बेटा मेरा है। आज गांव के विचार कर रहे हैं कि बेटा किसका है और ये किसे दिया जाए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या भैया भैया भाई समय के बीच पंचुए को चतुराया गौर। आज चतुर पंच आए हैं, उम्र 60 वर्ष की है। देखिए उस पंच ने क्या खेल किया है। भैया बन लायो दुधारो हाथ के बेटे आधो बाटी रे।
आयुष पंच ने जैसे ही दोबारा हाथ में लिया है कि ठीक है तुम्हारा बेटा है किसका है अभी पता चल जाएगा, लो मैं आधा आधा बांट देता हूँ। तो जैसे ही बेटे को काटने के लिए तैयार हुआ तो हुआ क्या भैया, देखिए छोटी बहन की करतूत। भैया या जो छोटी बहन अस कहे पांच तुम ऐसोई करी और आज देखिए छोटी बहन कैसे नागिन बन रही है, अपने ही बहन के सगे बेटे को कैसे मरवा रही है और हंस के कहने लगी कि ठीक है पंच मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बेटा को अभी आधा आधा कर दो, आधा मुझे दे दो और आधा मेरी बहन को दे दो। तो आज वो बड़ी बहन क्या कहने लगी, भैया बड़ी बहन रोई कहे पंच प्यारे आज सभी गांव के छोटी बहन को गाली देने लगी और कहने लगे सगी बहन की ना भैया रे तू और की होएगी रे। आज बड़ी बहन को बेटा दे दिया गया और उस छोटी बहन पर इतनी गांव को ने गाली दी और ससुराल वालों से घर से निकाल दिया। तो देखिए भैया सत्य की हमेशा जीत होती है, जो पति पिताएं बहना हमारी माताएं हैं मुसीबत कितनी भी आ जाए लेकिन अपने सत्य को मत छोड़ना, देखिए सत्य हमेशा जीत सत्य की होती है। तो तब तक के लिए इतना ही, देखिए आज सत्य की जीत कैसे हुई है, आज बड़ी बहन को कैसे उसका बेटा मिला है और छोटी बहन घर से बाहर निकाल दी गई है। तो हमेशा भैया किसी के आप बेटा हो या धन हो, किसी के धन पे या बेटे पर गुमान मत करना, वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो तब तक के लिए इतना ही, तो आ जाइए दोस्तों गाने की तरफ गौर करेंगे रोशनी यादव स्टूडियो के सौजन्य से, गायक भैया आपके जाने पहचाने नरेश खटाना जी।